हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स हुज़ नेम इज़ एक्सलेंस एकेडमी मैं आपको साथ प्रमोद सर मैं आप लोगों का आज जो है मैथमेटिक्स में क्लास एट का चैप्टर नंबर वन रेशनल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ ठीक है तो देखिए रेशनल नंबर हम लोग पढ़ने से पहले इसमें बहुत सारे जानने पड़ते हैं नंबर्स जैसे कि देखिए हम लोग नेचुरल नंबर क्या होता है होल नंबर क्या होता है इंटीजर्स क्या होता है यदि इन तीनों चीज़ को मैं जानूँगा इसके बाद जो है रेशनल नंबर पर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो रेशनल नंबर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस तीन चीज़ के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ ठीक है दोस्तों तो देखो नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर क्या होता है आप लोग जानते हैं तभी ठीक नहीं जानते हैं तो भी ठीक मैं आपको जो है नेचुरल नंबर एक बताता हूँ कि नेचुरल नंबर जो होता है जो हम लोग काउंटिंग जानते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड डॉट 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 एक्स्ट्रा जो है ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं यानी कि इसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स ओके तो नेचुरल नंबर का डिफाइन क्या होगा काउंटिंग नंबर नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स ठीक है बच्चों तो काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट 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 ये आप जितने भी आगे लिख सकते हो सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं इसका मतलब कि जो वन से काउंटिंग शुरू हो रही है उसी को यानी काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं ठीक है इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद देखिए होल नंबर क्या होता है इस चीज को जानेंगे हम लोग तो होल नंबर्स क्या होता है बच्चों देखो बहुत ही होल नंबर देखिए जैसे हम लोग काउंटिंग नंबर लिखे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड डॉट 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 आगे बढ़ते चले जाएगा तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं ठीक है और यानी कि काउंटिंग नंबर कर नेचुरल नंबर तो जब हम लोग काउंटिंग नंबर्स को जीरो से शुरू करेंगे तो उसको होल नंबर कहा जाता है ठीक है तो मैं काउंटिंग नंबर में वन टू थ्री फोर वन से शुरू किए हैं ना तो जब काउंटिंग नंबर जब हम लोग जीरो से शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं होल नंबर इसका डिफाइन क्या हो सकता है बच्चों काउंटिंग नंबर स्टार्टेड विथ ज़ीरो इज कॉल्ड होल नंबर यानी कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट 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 ये आपका होल नंबर रहेंगे ठीक है आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है बच्चा तो क्या बताइएगा जीरो ठीक है अगर पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है तो वन ठीक है चलिए होल नंबर के बाद हम लोग जानेंगे इंटीजर्स 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 क्या होते हैं तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स जो है नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर निगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स ठीक है बच्चों क्या होता है इंटीजर्स तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कल्ड इंटीजर्स ठीक है वी विल राइट डिफाइन हियर व्हाट पॉजिटिव नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर निगेटिव नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर निगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स आई बात बच्चों समझ में पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स निगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड होल नंबर सॉरी सॉरी इंटीजर्स ठीक है क्या होता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर निगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो यहां पे एंड जीरो लगाना जरूरी है बच्चा एंड जीरो आर कर््ड आर कर््ड इंटीजर्स ठीक है होल नंबर क्या होता है तो काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग नंबर बिगिनस विथ जीरो With zero is called whole नंबर ठीक है बच्चों तो देखिए ये तीन चीज को बहुत ध्यान जाना जरूरी है तो काउंटिंग नंबर आर कल्ड काउंटिंग नंबर आर कल्ड नेचुरल नंबर एग्जाम्पल क्या हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड इत्यादि और सारे हो सकते हैं होल नंबर काउंटिंग नंबर बिगिनस विथ जीरो इज कर्ल्ड होल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर जो है जब जीरो से शुरू होता है तो उसको होल नंबर बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखिएगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है बच्चों अब देखिए इंटीजर्स क्या होता है तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कर्ल्ड इंटीजर्स अब मैं इंटीजर्स का आप लोग को एग्जाम्पल देता हूं ठीक है कि इंटीजर्स का एग्जाम्पल इंटीजर्स का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को क्या बताया पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो आर आरकल इंटीजर्स देखिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 और मैं नेगेटिव नेचुरल नंबर ने भी बोला हूँ इसमें डिफाइन में, में। यानी कि जीरो के बिफोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव डॉट इधर आगे भी बढ़ जाएगा आगे की ओर तो इसको हम लोग बोलेंगे ये इंटीजर्स ये इंटीजर्स का एग्जाम्पल है ठीक है यानी कि माइनस वन टू थ्री फोर इंटीजर्स में जीरो के लेफ्ट साइड जो जाता है इधर डिक्रीजिंग होता है बच्चा याद रखना आप लोग इधर डिक्रीजिंग होता है जीरो के राइट right साइड जो है इधर इंक्रीजिंग होता है इधर इंक्रीजिंग ठीक है यानी कि जीरो से जितना भी इन माइनस में जो सारे हैं सब जीरो से छोटा है ठीक है यानी कि नेगेटिव नेचुरल नंबर इज लेस देन जीरो ओके एंड पॉजिटिव पॉजिटिव की नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है बच्चों इस बात को समझ में आई आप लोगों को ठीक है यदि आप लोगों को अच्छी बात है आ गया होगा तो, तो इसके बाद हम लोग अब रेशनल नंबर चैप्टर शुरू करते हैं ठीक है चलिए वेरी गुड चलिए चलो देखिए इधर रेशनल नंबर्स क्लास एट रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स ठीक है इसको हिंदी में जानना चाहेंगे तो रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या ठीक है तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है इस चीज को हम लोग जानेंगे तो रेशनल नंबर क्या होता है अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज कल टू नॉट जीरो आर कल्ड रेशनल नंबर्स ठीक है देखिए मैं डिफाइन आपको बताता हूँ इसका A rational number, sorry, a number which is in the form of in the form of P by Q where P and Q are integers where पी एंड की टीजर्स एंड की टू नॉट जीरो आर कल्ड रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स ध्यान दीजिए क्या मैंने क्या आप लोगों को डिफाइन किया बच्चों अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वे आर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड आर कॉल्ड नंबर्स ठीक है तो पी और क्यू जो है हम लोग को इस रूप में होना चाहिए तभी हम रेशनल नंबर बोलेंगे और दोनों पी बाई क्यू क्या होना चाहिए इंटीजर्स होना चाहिए मैं अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया कि इंटीजर्स क्या होता है तो आप लोग तो इंटीजर्स से परिचित हैं तो जो आप पी और क्यू का जो है यहाँ पे रखेंगे वैल्यू वो इंटीजर्स रखेंगे ओके अंडरस्टैंड दिस डिफाइन ओके तो आई एम गिविंग यू दिस example. Example. क्या बोले थे पी by क्यू के रूप में होना चाहिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर क्यू है वो जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए अगर जीरो हो गया तो रेशनल नंबर नहीं है ठीक है तो इसका पी बाई क्यू यानी कि रूप में पी और क्यू क्या होना चाहिए इंटीजर तो एग्ज़ाम्पल क्या होगा माइनस टू बाई थ्री तो देखिए माइनस टू आपका इंटीजर्स है कि नहीं थ्री इंटीजर्स है कि नहीं और मैंने पी बाई क्यू के रूप में लिखा कि नहीं तो ये देखिए माइनस टू बाई थ्री क्या हो गया इंटीजर्स रेशनल नंबर हो गया ठीक है माइनस टू बाई थ्री थ्री बाई फोर फाइव बाई सेवन ओके माइनस सिक्स बाई फाइव डॉट 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 ये तो जितने साइए जो एग्जाम्पल आप लोग को दिए ये रेशनल नंबर का एग्जाम्पल था ठीक है अब देखिए रेशनल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं ठीक है बच्चों तो देखो पॉजिटिव कैसे होगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हम लोग कब बोलेंगे यदि उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव दोनों हो चाहिए उस तभी बोलेंगे कि वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है ठीक है और निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है तो निगेटिव रेशनल नंबर जो है जब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर का जो अपोजिट साइड होता है ठीक है साइड नो अपोजिट साइन यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर कब बोलेंगे जब ये उसका न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों का साइन जो है अपोजिट होना चाहिए तभी उसको हम नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे आई बात समझ में चलिए हम दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है और निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है ठीक है वेरी गुड चलिए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर आप लोगों को रेशनल नंबर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी क्योंकि मैं आप लोगों को हर डिफाइन हर एग्जांपल से आप लोगों को समझा रहा हूं पॉजिटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर ठीक है तो पॉजिटिव रेस्टनल नंबर आप लोग क्या बोलते बताए यदि उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है वो या तो पॉजिटिव में होना चाहिए दोनों या तो दोनों नेगेटिव में होना चाहिए तभी उसको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव रेस्टनल नंबर है सच एज एग्जाम्पल क्या है देखिए आप लोग माइनस टू बाई माइनस फाइव दोनों निगेटिव साइन है लेकिन यह है पॉजिटिव रेस्टल नंबर ठीक है दोनों माइनस माइनस उड़ जाएगा बन गया पॉजिटिव थ्री बाई फाइव ये आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर है चूंकि दोनों पॉजिटिव है न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी है इसके बाद फोर बाई सेवन ये भी आपको दिखाई पड़ रहा है पॉजिटिव इसके बाद माइनस सेवन बाई माइनस इलेवन ये भी दो पॉजिटिव है चूंकि दोनों का साइन जो है सेम है तो इसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे आ रही है बात समझ में तो इस ये हम लोग डिफाइन इसको भी कर सकते हैं कि रेशनल नंबर इज साइड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमिरेटर एंड हैव बोथ पॉज़िटिव और बोथ निगेटिव ठीक है निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है उसको जान लेंगे मैं डिफाइन भी दोनों को दे दे रहा हूँ पहले एग्जाम्पल से समझ लीजिए निगेटिव रेशनल नंबर तो देखिए निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है मैं अभी आप, आप बताया हूँ कि यदि ऐसे रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अपोजिट साइन होना चाहिए ठीक है अपोजिट साइन का मतलब यदि न्यूमरेटर माइनस में है तो आपका ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है तो ये देखिए आपका निगेटिव बन गया या तो थ्री बाई माइनस फाइव ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है यानी कि वैसे रेशनल नंबर जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन है अपोजिट होना चाहिए दोनों का तब भी हम निगेटिव रेशनल नंबर इसको बोलेंगे आ गए बात समझ में बहुत सारे इसका एग्जाम्पल आप भी दे सकते हैं माइनस सेवन बाई इलेवन टू बाई माइनस सेवन डॉट डॉट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो इस तरह से नेगेटिव होते हैं ठीक है देखिए दोस्तों एक एक देख देखो बच्चों एक चीज़ हम आप लोग और बताएँगे एक रेशनल नंबर ऐसे होते हैं ना ही वो पॉजिटिव होता है और ना ही वो निगेटिव होता है तो आप लोग तो आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि भाई कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है ना ही वो निगेटिव है और ना ही वो पॉजिटिव है तो देखो मैं आप आज आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग नहीं भी जानते होंगे तो सीख लीजिए ना ही वह पॉजिटिव है और ना ही वह निगेटिव होता है देखिए तो हम आप लोगों को रेशनल नंबर का डिफाइन दिया था कि यह नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वे आर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो आर कल रेस्टनल नंबर देखो क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए उसका न्यूमेरेटर जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए हम उसको न, ये न्यूमरेटर जो है जीरो नहीं हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है ठीक है तो देखो जीरो बाई वन जीरो बाई टू जीरो बाई थ्री जीरो बाई फोर जीरो बाई फाइव और सारे लिख सकते हैं तो देखो यहाँ पे न्यूमेरेटर में आपका जीरो है डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है मैं आप लोगों को डिफाइन किया था कि इजक्ल टू नॉट जीरो पी बाई कॉपी क्यू के फॉर्म में होना चाहिए बट की वी इजकअल टू नॉट जीरो क्यू जो है जीरो के रूप में नहीं होना चाहिए न्यू पी हो सकता है न्यूमरेटर हो सकता है तो देखिए जीरो जो है ना तो वह पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है इसलिए हम इसको जीरो बाई वन जीरो बाई टू जीरो बाई थ्री जीरो बाई फोर जीरो बाई फाइव लिख सकते हैं ठीक है वन से डिवाइड करेंगे तो जीरो तो ही आएगा टू से जीरो में डिवाइड करोगे तो जीरो ही तो आएगा तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है इसलिए हम जीरो बाई वन ज़ीरो बाई टू जीरो बाई इस तरह से एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं जो कि ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है ठीक है दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो इसके बाद जो है हम आप लोगों को इसके रेशनल नंबर के तीन प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीन प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को अभी हम उससे अवगत करा रहे हैं ठीक है चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफाइन लिखवा दे रहा हूं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर इसके बाद उसके प्रॉपर्टीज ही बताएंगे ठीक है ना तो देखिए डिफाइन पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर का पॉजिटिव रेशनल नंबर इसका डिफाइन मैं आप लोगों को दे रहा हूं ठीक है और रेशनल नंबर Said to be positive if its numerator and denominator are either both positive. एंड बोथ निगेटिव ठीक है बच्चों तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर का आप लोगों का डिफाइन हुआ है इसका एग्जांपल पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं माइनस थ्री बाई माइनस फाइव सेवन बाई इलेवेन माइनस टू बाई माइनस थ्री फाइव बाई सिक्स डॉट 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 ये आपका पॉजिटिव रेशनल का डिफाइन आल्सो एग्जांपल इसको आप लोग आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए चलिए ठीक है डिफाइन क्या है पॉजिटिव का रेस्टनल नंबर एंड डिनोमिनेटर आर आईदर बोथ पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव ओके आफ्टर दिस वी विल राइड इट द डिफाइन ऑफ नेगेटिव रेस्टल नंबर निगेटिव रेस्टल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर तो आ रेशनल नंबर इज सैड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन ठीक है बच्चों तो देखो आप लोगों को नेगेटिव रेशनल का डिफाइन मैंने लिखवाया कि ऑरिशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन दोनों का अपोजिट साइन होना चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर एग्जांपल देते हैं माइनस टू बाई फाइव देखिए अपोजिट साइन है ये निगेटिव है यह पॉजिटिव है, है, है नेगेटिव है तो इस तरह से हम लोग जो और एग्जांपल दे सकते हैं तो ये आपका होगी निगेटिव रेशनल नंबर ठीक है अब जो है हम आप लोगों को इसके बाद जो है रेशनल नंबर का तीन प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो बता रहे हैं देखो थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स ठीक है देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है इफ ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर एंड एम इज ए कॉमन डिवाइडर ऑफ ए एंड बी ठीक है पहला प्रॉपर्टी है इफ ए बाय बी इज ए रेशनल नंबर एंड एम इज ए कॉमन डिवाइडर ऑफ ए एंड बी देन ए बाई बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एम बाई बी इज मल्टीप्लाई एम ये एम जो है दोनों का जो है क्या है प्रॉपर्टी वन इफ ए बाय बी इज ए रेशनल नंबर एंड एम इज ए कॉमन डिवाइडर एम इज ए न एम इज ए नन जीरो एंटीजर देन एम इज ए नॉन ज़ीरो इंटीजर देन ए बाय बी इज इक्वल टू ए इंटू एम बाय बी इंटू एम यानी कि देखो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको पहला प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का कि इफ़ ए बाय बी इज़ ए रेशनल नंबर एंड एम इज़ ए नॉन ज़ीरो इंटीजर देन ए बाय बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एम बाय बी मल्टीप्लाई एम देखो इसको एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं देखिएगा एग्जाम्पल माइनस माइनस थ्री बाई फोर ठीक है तो माइनस थ्री बाई फोर बराबर माइनस थ्री इंटू यदि एम की जगह पे हम टू रख देंगे तो क्या होगा तो ये माइनस थ्री बाई फोर के ही इक्वल होगा ठीक है यानी कि इज इक्वल टू माइनस थ्री इंटू थ्री फोर इंटू थ्री ये जो है सारे इक्वल आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड हो रहे हैं क्योंकि एम जो है नॉन जीरो इंटीजर है और दोनों हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसलिए इक्वीवैलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे तो इसी तरह से हम लोग जो है और इक्वल ऐसे दे सकते हैं तो ये प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी वन को रूल को फॉलो करता है ठीक है यानी कि माइनस थ्री बाई फोर गुना करेंगे तो क्या होंगे माइनस सिक्स बाई फोर टू एट माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन बाई फोर थ्री जा टूवेल्व डॉट डॉट बराबर और भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं एम को नाइनटीन डी जर लेकर के आगे नंबर बढ़ा तो देखिए माइनस थ्री बाई फोर और माइनस सिक्स बाई एट और माइनस नाइन बाई ट जो है ये क्या कहा लाएंगे रेशनल नंबर कहा ठीक है तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि कि दिस टाइप ऑफ रेशनल नंबर इज नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर दिस टाइप ऑफ रेशनल नंबर रेशनल नंबर इज कॉल्ड व्हाट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ठीक है एक बार फिर से एग्जाम्पल आप लोग समझें इसको चलिए अगला देखिएगा दूसरा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी टू ठीक है इफ ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर एंड एम इज ए कॉमन डिवाइजर एम इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी ऑफ ए एंड ए एंड बी देन अब देखिए एम जो है कॉमन डिवाइजर है रेशनल नंबर ए बाई ए और बी का तो देन ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी डिवाइड एम डिवाइड एम ये भी देखिए दोनों इक्वल होते हैं तो इसका हम एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताते हैं जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल माइनस ट्वेंटी बाई ट्वेल्व ठीक है माइनस ट्वेंटी बाई ट्वेल्व आपका एडिशनल नंबर है तो माइनस ट्वेंटी बाई ट्वेल्व यदि हम लोग इसको फोर से डिवाइड करते हैं ठीक है तो ये आपका आ जाता है फोर फाइव जै ट्वेंटी यानी कि माइनस फाइव और फोर थ्री जै टूवेल्व माइनस फाइव बाई थ्री तो जी ये मा ये माइनस ट्वेल्व ट्वेंटी बाई ट्वेल्व और माइनस फाइव बाई थ्री बहुत हर इक्वल दोनों इक्वल हैं तो ये माइनस फाइव बाई थ्री क्या कहलाएगा तो माइनस ट्वेंटी बाई ट्वेल्व का वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा आए समझ में तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को रेशनल नंबर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म निकालिए तो आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड कर सकते हैं अब देखिए जब ये नहीं क्लियर होगा कि मैं फोर कहाँ से आ गया फोर कैसे हम ये मान लेंगे तो मानने की जरूरत नहीं है यहां पे समझ लीजिए आप लोग तो ये ट्वेंटी और ट्वेल्व का जब मैं एच सी एफ फाइंड करूंगा एच सी एफ ऑफ टूवेल्व एंड ट्वेल्व तो अरे यार इसका सी, कितना होता है एच सी एफ फोर होता है तो फोर जो है आपका ना, कॉमन डिवाइजर है किसका 20 और 12 का इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या आया माइनस फाइव बाई थ्री तो माइनस फाइव बाई थ्री इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ माइनस ट्वेंटी बाई टूएल्व ओके ऑल यू अंडरस्टैंड ओके आफ्टर दिस आई विल टेल यू प्रॉपर्टी थ्री ओके अगर हम चाहेंगे चार हैं तो आपको स्टैंडर्ड फोर स्टैंडर्ड फॉर्म का डिफाइन भी लिखवा सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रिश्नल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्म ऑफ ए रिश्नल नंबर ठीक है तो इसका डिफाइन क्या होगा कि ऑरिश्नल नंबर a rational number is said to be original number a by b. rational number a by b is said to be standard form standard form of if a and b if a and b are integers having no common no common divisor other than 1 other than 1 एंड बी इज पॉजिटिव देखो बच्चों, ए बाई बी रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कब बोलेंगे जब ए और बी का कॉमन फैक्टर जो है एक के अलावा कोई भी नहीं हो तभी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म हम बोलेंगे और बी जो है हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए तब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे ठीक है निगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए आगे बात समझ में हाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसी को बोलेंगे जिसका ए और बी का ए और बी जो इंटीजर्स है इसके पास नो कॉमन डिवाइजर अदर देन वन यानी कि वन से जो है अलग कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होनी चाहिए और बी जो है पॉजिटिव में होनी चाहिए तभी हम इसको, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते बताते हैं इससे पहले जस्ट आपको एग्जाम्पल दिए थे फिर एक बार दे देता हूँ जिससे माइनस थर्टी टू बाई फोर्टी तो देखिए माइनस थर्टी टू बाई फोर्टी इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू डिवाइड एट फोर्टी डिवाइड एट एट फोर जा माइनस फोर बाई फाइव देखिए माइनस फोर बाई फाइव आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ माइनस थर्टी डिवाई फोर्टी का लाएगा क्यों क्योंकि माइनस बाई फोर और फाइव में जो है ये फोर और फाइव का जो है एक के अलावा और कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है इसीलिए -4 माइनस फोर बाई फाइव को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे किसका तो माइनस थर्टी टू बाई फोर्टी का ठीक है तो ये प्रॉपर्टी टू से रिलेटेड था एक और लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी थर्ड जो मैं आपको फिर भी लिखवा रहा हूँ इसको एक बार फिर से आप लोग समझिए एक वो लास्ट बताना था प्रॉपर्टी थर्ड तो तो देखो बच्चों अगला प्रॉपर्टी थ्री है ये लास्ट है इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे तो प्रॉपर्टी थर्ड को समझ लेंगे इसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज जो है सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी लेट ए बाई बी एंड C by D be two rational numbers. Two rational numbers. Then, then A by B is equal to C by D. ये कब कहलाएंगे तो देखो जब a गुने डी यानी कि a इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी या फिर बी इंटू सी ठीक है तो यानी कि ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए टू बाई थ्री इज इक्वल टू फोर बाई फाइव ओके तो ये टू मल्टीप्लाई फाइव लेट ए बाई बी एंड सी बाई डी बी टू रेशनल नंबर्स देन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इसका मतलब ये बराबर कब होंगे ए बाई डी इंट बराबर सी बी इंटू सी इस तरह से तो ये क्वेश्चन में जब हम लोगों को किसी जैसे देखिए बता रहे हैं, हैं? जैसे एग्जांपल टू बाई थ्री इज़ इक्वल टू फाइव बाई एक्स अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग इस तरह से इस ये प्रॉपर्टी थर्ड का जो है फॉलो करेंगे रूल का जैसे टू इंटू एक्स करेंगे तो टू एक्स और थ्री इंटू फाइव करेंगे तो फिफ्टीन और ये टू जो है मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है इसको हम लोग आर में भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएंगे यानी कि एक्स इज़ इक्वल टू फिफ्टीन बाई टू यानी कि एक्स इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव तो हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे सेवन पॉइंट फाइव पोट कर सकते हैं ठीक है तब ये दोनों रेशनल नंबर हम लोगों को बराबर हो जाएंगे ठीक है बच्चों तो ये रहा प्रॉपर्टी थर्ड अब ये हम लोग जो है रेशनल नंबर्स के बारे में सारे इंट्रोडक्शन ले चुके हैं और ये इसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज से अगले वीडियो में शुरू करेंगे ठीक है अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को सारी चीज़ बहुत सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गए होंगे ठीक है और आप लोगों को यदि इस इंट्रोडक्शन से कोई भी चीज़ आप लोगों को डाउट होंगे या क्लियर नहीं हो रहे होंगे तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है यू टेलीग्राम का लिंक ईमेल का लिंक दिया हुआ है उस पर आप इसको सेंड करके आप जो है अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं